हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल में देख के ये समझ में आ ही गया होगा कि जो मैं है आज आप लोगों को किसके ऊपर जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज का जो टॉपिक है और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या जो है हमें अब NTSC छोड़ देना चाहिए, क्या हमें अब जो है 11th और 12th पे फोकस करना चाहिए, क्या जो हमने पढ़ा वो सारा कुछ अब बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस पूरे वीडियो में इसी के ऊपर जो है चर्चा करने वाला हूँ और इसी के ऊपर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों ने NTSC 2022 के लिए टारगेट कर रखा था कि 2022 में उनका जो है NTSC का एग्जाम होगा, वो NTSC का एग्जाम देंगे, तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम तो भाई अभी तक नहीं हो रहा है। और एग्जाम का नहीं होने के पीछे का कारण जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, क्योंकि NTSC जो है अपने एग्जाम में कुछ पैटर्न में जो है चेंजिंग ला रही है। अब वो चेंजिंग क्या ला रही है इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया है कि अब जो नया एग्जाम होएगा उसमें उस पैटर्न में जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग किया जाएगा। आपको भी पता है कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसकी वजह से शायद मेरे ख्याल इस पैटर्न में कुछ जो है चेंजिंग हो सकता है। चलिए, मैं इसके ऊपर मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि NTSC अगर आपने अपने मन से स्टार्ट किया था, आपने अपने पेरेंट्स से बिना पूछे NTSC स्टार्ट किया था, तो आपको NTSC का एग्जाम देना चाहिए। मुझे पता है कि मैं जो बातें कह रहा हूँ शायद आप लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहे और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एग्जाम देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। आप लोग अपने दिमाग में और अपने जेहन में इस बात को नोट करके रखें कि एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हुआ है, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो पोस्टपोन्ड और कैंसिल में अंतर होता है। कैंसिल का मतलब कि पूरा ही कैंसिल कर दिया गया है, और पोस्टपोन्ड का मतलब है कि इसको आगे बढ़ाया गया है, लेकिन डेट अभी तक तो आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा फिलहाल अभी तक तो कुछ देखने को मिला नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो आपने पढ़ा है बस उसको नोट्स की तरह रखें। जब भी आपको दिन में समय मिलता है, आधे घंटे एक घंटे जितना भी समय मिलता है, आप उस टाइम का यूटिलाइज करें और उस टाइम को जो है NTSC के लिए दे दे भाई, क्योंकि आपको तो अब आपने तो पूरा सिलेबस कर रखा है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखा है, बस आपको क्या करना है, चीजों को रिकॉल करना है, चीजों को पढ़ना है। जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट से आप लोग जो है समय निकालें, आधा घंटा एक घंटा लेकिन पढ़ें, लेकिन NTSC को छोड़ो मत यार, है ना, क्योंकि आपका सपना है और आपने जो सपना देखा है उस सपने को साकार आपने ही करना है। तो NTSC दीजिए, मेरा तो मतलब यही रहेगा कि आप लोग दीजिए, बट आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है, 11th पे फोकस करना है कि NTSC को देना है। मैं कह रहा हूँ आप पूरा फोकस दो 11th पे, पूरा फोकस करो अपने नीट पे, अपने IIT पे, अपने 12th पे पूरा फोकस करो, लेकिन इसको भी आधे घंटे एक घंटे यार दो, है ना। और आपको कैसे इन चीजों को मैनेज करना है मैं इसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों को बता दूंगा, और इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो लेके आ जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।